मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई पुलिस ने दो विदेशी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों के नाम जौहर पैमन अकबर 30 वर्षीय और अहमद फिरोज अहमदनी 21 वर्षीय है। ये दोनों ईरानी नागरिक हैं। ये दोनों ने यमन से मुंबई अपना इलाज कराने आए आर्मी के जनरल इदरूस नसीर सलेह और उनकी पत्नी सबा जैन अब्दुल रब से पैसे छीन लिए। जानकारी के मुताबिक इदरूस मुलुंड के फोर्टिस अस्पताल से इलाज कराकर अपनी पत्नी के साथ अपने घर मुंबई के मोहम्मद अली रोड जा रहे थे। जैसे ही स्ट्रेन एक्सप्रेस हाईवे पर पहुंचे तभी दो व्यक्ति इन्हें रोक लेते हैं। अपने आप को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर इन पर ड्रग्स रखने का आरोप लगाते हैं और गाड़ी की तलाशी भी लेते हैं। तलाशी के दौरान एक बैग मिलता है। उस बैग में रखे $4,000 विदेशी करेंसी निकाल कर फरार हो जाते हैं। इस घटना की जानकारी विक्रोली पुलिस स्टेशन में दी गई। मामला विदेश नागरिकता से जुड़ा हुआ था, इसलिए एम्बेसी और फोर्टिस अस्पताल को इसके बारे में जानकारी दी गई। शिकायत के आधार पर मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त अखिलेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में विक्रोली पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक नामदेव सिंधे और सहायक पुलिस निरीक्षक विजय सांडभोर ने जब इस मामले को गंभीरता से जांच की और तकनीकी पहलुओं को खंगाला तो इन दोनों आरोपियों को अंधेरी ईस्ट और वेस्ट से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से विदेशी और भारतीय करीब 64,000 की करेंसी बरामद की गई है। आगे पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।